तो भाई जैसा कि तुमको पता है, इस धरती पर एक से बढ़कर एक साइंटिस्टों ने जन्म लेकर इंसानों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। लेकिन शायद तुमको ये नहीं पता, इस धरती पर एक ऐसा भी साइंटिस्ट है जिसने हर सॉल्यूशन को प्रॉब्लम में डाल दिया है। हाँ भाई, तुमने सही सुना, हर सॉल्यूशन को प्रॉब्लम में डाल दिया है। इन्होंने IIT में नहीं पढ़ा, लेकिन आज IIT इन्हें पढ़ती है। इन्होंने ऐसे ऐसे इन्वेंशन किए जो आज तक इस धरती पे किसी ने नहीं किया। इन्होंने इंसानों की वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया है जो इंसान की प्रॉब्लम कभी थी ही नहीं। तो ये है दुनिया के सबसे अनरेटेड साइंटिस्ट थॉमस लड़वा एडिसन, माफ कीजिएगा, थॉमस अल्वा एडिसन के भी बाप भावेग। इनके इन्वेंशन को देखकर तुम लोग एक ही चीज कहोगे, ये तो टट्टी है। तो आओ यारो, एक एक करके इसके एक्सपेरिमेंट और इन्वेंशन को देखते हैं। अच्छा, पर्दा खोलने वाली मशीन, ठीक है। देख रहा है ना भाई, इतना क्या इशारे कर रहा है। अबे जल्दी पर्दा खोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अगर तेरे इस मशीन से कोई पर्दा खोलने गया ना, तो सुबह से रात हो जाएगी पर्दा खुलते खुलते, और रात से सुबह हो जाएगी पर्दा बंद होते होते। मतलब अगर किसी को सनराइज देखना होगा तो उसे सनसेट दिखेगा, और जिसे सनसेट देखना होगा उसे सनराइज दिखेगा। ये क्या है? नमस्ते करने की मशीन या टूल प्लाजा पे गाड़ी को रोकने वाली मशीन है? भाई तुझे लगता है तेरे इस नमस्ते करने वाली मशीन से लोग खुश हो जाएंगे? अबे वो डर जाएंगे। कोई जाते हुए आदमी के सामने तेरी ये मशीन अचानक से नमस्ते करेगी ना, तो उसकी गांड का गुलदस्ता हो जाएगा। तेरे इस इन्वेंशन से कुछ हो ना हो, लेकिन काम वाली का काम और बिजली का बिल दोनों बढ़ जाएगा। फिर तेरा बाप तुझे कहेगा, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। और तेरे इस इन्वेंशन को अगर कोई यूज करता है और गलती से पानी मोटर में चला गया ना, ये जो झाग बर्तन में दिख रहा है, ये झाग शॉर्ट सर्किट की वजह से कहीं और से भी निकलेगा। और हाँ भाई, तेरे इस मशीन से बर्तन साफ हो ना हो, लेकिन किचन जरूर गंदा हो जाएगा। अबे तू चूतिया है क्या? बरसात के मौसम में पंखे वाला छाता कौन लेके जाएगा बाहर? बरसात के टाइम पे मौसम पहले से ही ठंडा होता है, और तेरे इस पंखे वाले छाते को कोई अगर बाहर लेके जाता है ना, तो पक्का सुरक्षित घर पे नहीं आएगा, क्योंकि तेरे पंखे वाले छाते को संभालेगा कि रोड पे चलेगा, और इसी चक्कर में यमराज उसे ऊपर बुला लेगा। यार तुम लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी ना, बाल बाल बच गए, ये उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके इस इन्वेंशन से कुछ बचे ना बचे, लेकिन सर के बाल जरूर बच जाएंगे। और अगर तेरे इस इन्वेंशन को मैं अपने कॉलेज में ले गया ना, तो मेरा प्रोफेसर मेरी गांड में हाथ डाल के हिला देगा और कहेगा, 4 साल तक इस नायाब एक्सपेरिमेंट को कहाँ रखा था? और भाई वैसे भी इंजीनियर की कोई इज्जत नहीं होती, जो बची कुची इज्जत है उसकी क्यों गांड मारने पर तुला हुआ है तू? ये क्या बनाया है? अच्छा, इसमें भी मोटर है। अबे तूने जितने भी एक्सपेरिमेंट हमें दिखाए सब में मोटर तो था, इसमें भी मोटर चिपका दिया। अच्छा, वॉशिंग मशीन बनाया है, ओके। अबे तेरे इस वॉशिंग मशीन में एक कपड़ा धोने में जितना टाइम लगेगा ना, उतने में तुम्हें पूरी सोसाइटी का अपने हाथों से कपड़ा धो डालूंगा। अच्छा झाड़ू, ये भी मोटर वाला है। भाई यार तेरे पास और कुछ है नहीं, सब जगह पे तू मोटर चपका दे रहा है। वाह, मोटर वाला झाड़ू। भाई एक बात बोलूं, तू वीडियो बहुत अच्छा बनाता है, बस उसे अपलोड मत किया कर। अब ये क्या बनाया है तूने? हेलमेट वाला वाइपर, और इसमें भी मोटर। ये कुछ नया है भाई। एक काम कर भाई, मेरा 4 पीस ऑर्डर लिख ले। भाई तुम लोगों को शायद इस हेलमेट की खासियत नहीं पता, मुझे भाविक भाई ने बताया इस हेलमेट की खासियत। इस हेलमेट को पहनने के बाद में आपके मरने की गारंटी 100% है। ऐसा नहीं है कि आपका एक्सीडेंट हुआ, आप हॉस्पिटल गए और बच गए। इस हेलमेट को पहनने के बाद में आपको फर्स्ट क्लास AC की टिकट मिलेगी यमराज के यहाँ जाने की। भाई ये लिमिटेड एडिशन है, मार्केट में इस तरह के प्रोडक्ट बहुत ही कम आते हैं। मैंने तो मेरा 4 पीस ऑर्डर लिखवा दिया, अब तुम लोग बताओ तुम्हारा कितना पीस ऑर्डर लिखवा दूँ। तो भाई बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुमको भाविक भाई के एक्सपेरिमेंट अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, भाविक भाई को भी अच्छा लगेगा।
को।